ठाकुर बोलेगा तो बिंदास बोलेगा, ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों रिव्यू करूंगा Z5 पर स्ट्रीमिंग होने वाली ये फिल्म जिसका नाम है द सिग्नेचर। हाँ, द सिग्नेचर ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और ये जो द सिग्नेचर है वो 1.5-2 घंटे की फिल्म है और इसमें अनुपम खेर, नीना कुलकर्णी और मनोज जोशी इनके रोल्स हैं और प्रमुख भूमिका में हमें अनुपम खेर और नीना कुलकर्णी दिखाई देते हैं। अब नीना कुलकर्णी जी है तो थोड़ा मैंने सोचा कि भाई ये क्या है, तो और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं और ये फिल्म जो है वो अनुमति मराठी फिल्म थी, इस पर बेस यानी उसका ही रीमेक है ये फिल्म द सिग्नेचर। अब सिग्नेचर क्या है, तो सिग्नेचर अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कहीं भी हम सिग्नेचर करते हैं तो आपकी परमिशन है ऐसे वैलिड हो जाता है, वैसे ही ये सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। अब इस फिल्म में अनुपम खेर और नीना कुलकर्णी जी अपने जीवन के 35 साल एक साथ गुजार चुके हैं यानी एज एन हस्बैंड और वाइफ, और 35 साल में क्या हो सकता है भाई, वो इतनी खुशी से जीवन बसर किया है, अब आगे चल के क्या है, बस जीना है और एक दूसरे को साथ देना है और ऐसे ही इस प्रोमो में हमें दिखाई देता है। लेकिन अचानक नीना कुलकर्णी जी वो बीमार हो जाती है और वहीं से शुरू होती है द सिग्नेचर। अब सिग्नेचर बीमार होने से उसका क्या संबंध है, ये सब देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी द सिग्नेचर। बेसिकली ये फिल्म है डॉक्टर पेशे पर भाष्य करने वाली, ये फिल्म जो है वो किस तरह से मेडिकल फील्ड हम सबको कैसे अपने चपेटे में लेती है इस पर भाष्य करने वाली है। और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे देश में, लेकिन क्या डॉक्टर और इनकी जो व्यवस्था है सच्ची में काबिल है, क्या उन्हें हमें भगवान मानना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ईमानदारी से पेश आते हैं और बहुत ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं, जैसे कि वो अपनी कसम खाते हैं डॉक्टर बनने के वक्त, तो वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे नहीं कि भाई सभी डॉक्टर्स करप्ट हैं या सभी हॉस्पिटल की व्यवस्था करप्ट होती है, कुछ लोग हैं जो सच्चाई और इंसानियत को लेकर अपना काम करते हैं और इंसानियत के लिए काम करते हैं। लेकिन ये फिल्म द सिग्नेचर है वो ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर और पेशा को पॉइंट आउट करती है, उस पर आघात करती है कि भाई एक बार आप हॉस्पिटल में आपकी पेशेंट को आप हॉस्पिटलाइज कर चुके, उसके बाद जो सिग्नेचर्स हम लोग जो पेपर्स पे करते हैं वो करने के बाद आपको आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, बस आपको वो करना है, बस जो पैसे मांगे पैसे देने हैं या जो ट्रीटमेंट करनी है वो करने की अनुमति देते हैं। ये जो अनुमति होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। हमें जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डिसीजन मेकर कोई तो हमारे इसमें होना चाहिए फैमिली में, या सेकेंड ओपिनियन लेने की जिसे कुछ आइडिया हो वो भी वैसे होना चाहिए। हाँ, खैर ये जो सिग्नेचर है तो इसमें नीना कुलकर्णी जी बीमार हो जाती है, वो वेंटिलेटर पे उन्हें रखा जाता है और उसके बाद पैसे के खर्चा बहुत लोगों को एक्सपीरियंस है, एक बार डॉक्टर के हाथ में आपका पेशेंट गया तो उसके बाद फिर ये रिपोर्ट लो वो रिपोर्ट लो, ये टेस्ट करनी पड़ेगी वो टेस्ट करनी पड़ेगी, इतने पैसे लेंगे आपको, आपको अरेंज करने पड़ेंगे, ऑपरेशन करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो आप लोग तो अपने पेशेंट को बचाने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई एक दो महीने में आप खत्म कर देते हैं क्योंकि आपको उनसे प्यार होता है, उनसे लगाव होता है। ये हस्बैंड और वाइफ की लव स्टोरी है, कहानी है, प्यार की कहानी, बच्चे अपने माता पिता के साथ कैसे बिहेव करते हैं इस वक्त और अपने रिलेटिव कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब परिभाषित करने वाली ये फिल्म है द सिग्नेचर। अब द सिग्नेचर करने के बाद अनुपम खेर बहुत फंस जाते हैं, उनको वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करते हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं करते, जो कुछ है वो सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन क्या उनकी पत्नी बचती है, क्या उनके साथ न्याय होता है। सिग्नेचर देने के बाद किस किस चीजों को सामना करना पड़ता है, इस सब पर भाष्य करने वाली फिल्म है द सिग्नेचर। बहुत ही इमोशनली अटैच करने वाली फिल्म है द सिग्नेचर
और बहुत ही प्यारी फिल्म है, जरूर देखिए, हस्बैंड वाइफ और फैमिली के साथ देखनी चाहिए ऐसी फिल्म, क्योंकि क्या ये जो नॉलेज होता है ना, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस हस्बैंड वाइफ ने फिल्म देखी, बच्चे देखते नहीं। हालांकि बच्चों ने अगर फिल्म देखी एक साथ, अगर फैमिली अगर देखती है ऐसी फिल्में, तो आइडिया आ जाती है कि आगे चलकर जब हम पर ऐसा कुछ प्रसंग आता है तो उस वक्त कैसे हमें डील करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेने चाहिए और क्या करना चाहिए, इस सब का ज्ञान देने वाली फिल्म है द सिग्नेचर। बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, स्क्रीन प्ले एक्टिंग तो क्लास है, और बहुत ही प्यारी फिल्म है। मैं को ठाकुर के बिंदास बोल से बिंदास कहूंगा, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो तुरंत देखिए, ZEE5 पर ये है और आपको देखनी जरूर, आप आज तो संडे है तो जरूर देखिए भाई, जरूर देखिए द सिग्नेचर। तो ठाकुर के बिंदास बोल से अगला रिव्यू लेके जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।